आगे चलते हैं और हम इनवाइट करते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट वैल्यू इन्वेस्टर अभिषेक बासु मलिक जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं अभिषेक, बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज शो पे मिलके, क्योंकि अभिषेक एकदम चकाचौंध वाली और ढेर सारी नॉइज वाली मुंबई की जो मार्केट की दुनिया है उससे दूर कैलकाटा में बैठ के क्वालिटी इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, चुनिंदा 20-25 स्टॉक का उनका पोर्टफोलियो है और रिसर्च करते रहते हैं दिन भर कहां कहां पे अच्छी प्रोबेबिलिटी बन रही है, बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप में खास रुचि है इनकी। और आज के दिन जान के अच्छा ये भी लगेगा अभिषेक आपकी व्यू, क्योंकि एक तरफ तो भगदड़ मच रही है मिड कैप स्मॉल कैप में, अच्छे क्वालिटी के नेम भी घटेंगे, बुरी क्वालिटी के नेम भी घटेंगे। बुरी वालों से मुझे इतनी सांत्वना नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स लो क्वालिटी में एक्टिव थे उन्हें मालूम था पहले टाइम से वो क्या कर रहे हैं, 5 रुपए की चीज 20 हो गई, 20 की आधी हो गई, दे न्यू इट। लेकिन क्वालिटी नेम भी जो चले हैं अर्निंग्स के बैक पे वो भी नीचे आएंगे। इस स्मॉल कैप मिड कैप में क्यों इस समय पैनिक नहीं करना चाहिए और रैशनली ध्यान से अप्रोच करना चाहिए? गुड मॉर्निंग अजय, आपने एकदम सही कहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमको कोई भी स्टॉक या बिजनेस को उनकी मार्केट कैप से जज नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर प्रमोटर है या जो मैनेजमेंट है वो ये देख के अपना धंधा नहीं करता कि मेरा मार्केट कैप 3,000 करोड़ है या 30,000 करोड़ है। उनको अपनी यू नो रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, ये सबसे मतलब होता है। तो अगर एज एन इन्वेस्टर हम लोग भी वैसे नहीं सोचेंगे तो हम लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। और मुझे अजीब ये लगता है कि मार्केट जब हर दिन ऊपर जा रहा था तब लोगों में कोई परेशानी नहीं थी, सब खुश थे। एक दिन गिरावट आया है तो लोग बहुत परेशान हो गए, उन लोगों को लग रहा है लॉस हुआ है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो करेक्शन हुआ है ये करेक्शन काफी लंबा एक रैली के बाद हुआ है। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप स्पेशली देखें तो ये लगातार हर दिन बढ़ रहा था काफी, शायद रफली एक महीने के लिए। तो एक तो पुल बैक उसका नॉर्मल मीन रिवर्शन वे में होगा ही, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सोचने का डरने का जरूरत है। ठीक है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए कौन से एक दो अच्छे एरियाज हैं जहां पे आपको रुचि होगी, क्योंकि अगर 40% रैली हो गई वहां से 1/3 15% दे देता है वापस बाजार, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स फॉर एग्जांपल, कौन से ऐसे एरिया जो 20-25% घटेंगे तो आप उनमें विनर्स की तलाश करना शुरू करेंगे? देखिए, पिछली बार भी हमने जब बात की थी तो मैंने कुछ सेक्टर्स का बात किया था जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-2 साल के लिए अच्छा रह सकता है। एक तो उसमें फार्मा है, केमिकल्स मुझे लगता है कि 1-2 क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने लगेगा, आईटी शायद अगेन 1-2 क्वार्टर में इंप्रूव करने लगेगा, शायद उसका भी बॉटम करीब बन चुका है या बनने के प्रोसेस में है। बॉटम एज इन नॉट प्राइस बॉटम बट बिजनेस का जो बिजनेस साइकिल का जो बॉटम है वो बन चुका है। तो ये इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, ये सब में मुझे अभी भी लगता है कि काफी स्पेस है, काफी जगह है, क्योंकि कंपनीज काफी स्ट्रांग है। और जो फंडामेंटल कारण है ये रैली का, जो कारण था, केपेक्स हो रहा है गवर्नमेंट के साइड से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए केपेक्स हो रहा है, तो ये सब कंटिन्यू होंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन का कुछ स्टॉक प्राइस करेक्शन से जो बिजनेसेस थे वो कुछ कुछ बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे शेयर भी कल टूटे क्योंकि ये भी बहुत रफ्तार से चले थे, हालांकि ऑर्डर्स वगैरह उनको लगातार मिल रहे हैं। राइट्स को लेकर खबर आई है कि इन्होंने अंगोला सरकार के साथ रेलवे और इंफ्रा के लिए एक करार किया है, हालांकि राइट्स में भी कल हमने प्रेशर देखा। लेकिन राइट्स और आरवीएनएल ये दो कंपनियां हैं जो देश के अलावा बाहर भी अपने जो स्किल है उनको भुना सकती हैं। इस पर जरा अभिषेक आपसे व्यू चाहेंगे, कल हमने तेज गिरावट रेलवे शेयरों में देखी है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए चले बहुत है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अजय बात कर रहे थे कि दूध बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और अब वो उफान आना बाकी बिल्कुल स्वाभाविक था। क्या सलाह होगी आपके राइट्स के शेयर में? जी, मेरे ख्याल से राइट्स जो है वो लास्ट 4-5 साल में उतना परफॉर्म नहीं किया है, लास्ट शायद
दो तीन महीने में थोड़ा सा बढ़ा है। सो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि राइट्स बहुत ज्यादा भागा है, ओवरऑल बिजनेस अच्छा है, कंसल्टिंग बिजनेस है, तो बहुत ज्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं लगता है इसमें, तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इंडिया में भी जितना ग्रोथ हो रहा है रेलवेज का, उसमें काफी इनपुट्स रहता है राइट्स का, और ग्लोबली भी धीरे धीरे अफ्रीका में या अलग देशों में अभी ये अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए राइट्स एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, निवेश के लिए ठीक ठाक कंपनी है। और अब आप, और वो है वायर्स एंड केबल्स जो स्पेस है। अभिषेक, आपने देखा होगा कि वायर्स एंड केबल्स स्पेस में पॉलीकैब एक साल का चार्ट लेके आई है, केईआई इंडस्ट्रीज एक साल का चार्ट लेके आई है, आप लेके आइए डायरेक्टर साहब यूनिवर्सल केबल्स एक साल का चार्ट, और फिनोलेक्स, इन सब के एक साल के अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा वायर्स एंड केबल्स स्पेस में कितना पैसा बना है। क्योंकि एक तरफ तो डोमेस्टिक मार्केट में भी उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता बढ़ रही है, रियल एस्टेट में ग्रोथ, कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ, और इंस्टीट्यूशनल साइड में पावर पे इतना फोकस हो रहा है, तो आपको वायर्स एंड केबल्स में जबरदस्त रैली दिखाई दे रही है। अब क्या हो रहा है कि इसमें एक बड़ी दिग्गज कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। जी हां, आरआर काबल का आईपीओ आने वाला है। तो हमने वैल्यूएशंस जो है आरआर काबल के, जो प्रपोज वैल्यूएशंस है आईपीओ के, उस पर नजर डाली। कंपनी जो और अभी एग्जिस्टिंग कंपनियां लिस्टेड हैं जिससे बाजार की बहुत ज्यादा रुचि है और पैसा बनाया भी है, तो पॉलीकैब 43 टाइम, केईआई इंडस्ट्री भी करीब 36 टाइम, फिनोलेक्स 24 टाइम ट्रेड कर रही है। और आरआर काबल को लेके आए डेटा साहब, बाकी कंपनियों के आरआर काबल का वैल्यूएशन लेके आइए, कुछ 60 टाइम के आसपास है। आप आरआर काबल को देखेंगे या आप एग्जिस्टिंग जो कंपनियां हैं वायर एंड केबल में अभिषेक, उनकी तरफ नजर लगाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं आईपीओ से थोड़ा सा दूर रहता हूं। ओके, एटलीस्ट 6 लिस्टिंग के बाद मैं देखना चालू करता हूं। उसका कई रीजन है बट वो आज शायद डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बट हाँ, इसमें जो आपने बात करी उसमें मेरा प्रेफरेंस पॉलीकैब और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पे ज्यादा होगा, ना कि जो नई लिस्टिंग होने की बात हो रही है। पॉलीकैब आपको पसंद है स्पेस में, वर्लपूल दो फंड ऐड कर रहे हैं, टेक्निकल पे सुमित ने ऑलरेडी मार्क किया है, तो इसको जरूर अपने चार्ट पे लगा के रखिएगा। अभिषेक, ये जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है, वोल्टास भी 760 का लो बना के वापस आ गया, मार्केट शेयर गेन कर रहा है, आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई स्पेस अच्छी दिखती है या ईएमएस स्पेस? अभिषेक, कोई स्टॉक? ईएमएस लगता है अच्छा करेगा, लेकिन वैल्यूएशन काफी रिच है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप मैक्रो थोड़ा सा देखेंगे तो लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया में अभी भी थोड़ा सा यू नो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, तो जब तक वो पूरा पिकअप नहीं होता है, स्पेशली स्मॉलर टिकेट जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उनका रेवेन्यू ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। ठीक है, कुछ एक स्टॉक्स में जरा चेक कर ले जमाने में, लेकिन उसके बाद चीजें बदली, वो है इंडिया बुल हाउसिंग। अभिषेक, इंडिया बुल हाउसिंग में हमने देखा कि एक चेंज ऑफ मैनेजमेंट सा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है वहां पे, उन्होंने गाइडेंस दी है वगैरह वगैरह, एईएम ग्रोथ की गाइडेंस दी है, जो धंधा बंदी होने को कगार पे आ गया था, और बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आए हैं, उसका नाम भी हमने बताया कि सम्मान फाइनेंशियल होने वाला है, पूरा उसका एक रिशफल होकर नए अवतार में आ रही है। क्या आपने इंडिया बुल हाउसिंग के फंडामेंटल्स पर नजर डाली है या कोई और एनबीएफसी आपके रेडार पे है? अभिषेक जी, मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग देखा था पिछले साल, बहुत कुछ अच्छा लगा नहीं, क्योंकि एम्बेसी जो इसको खरीदा है उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ खास है नहीं। अगर हाउसिंग इंडिया बुल हाउसिंग है तो एम्बेसी वाला जो है वो इंडिया बुल रियल एस्टेट को लिया है, यहां पे एलआईसी सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ब्लैकस्टोन आ गया है, कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, वो एक टर्न अराउंड वो कर रहे हैं। शायद आप इंडिया बुल हाउसिंग और रियल्टी में मिक्सअप हो गए। सॉरी हाँ, माय मिस्टेक। कोई और एनबीएफसी जो आपको पसंद है?
देखिए एनबीएफसीज में मुझे एक्चुअली जो पब्लिक सेक्टर फेसिंग है, जैसे कैनफिन होम्स आपने बात किया शो में पहले, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बजाज फिनेंस है लेकिन उसका वैल्यूएशन आपको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में होने के बाद आप ले सकते हैं। ये मोर ऑर लेस ये दो है। सुंदरम फिनेंस, श्रीराम भी अभी नए रूप में आया है, तो ये सब देखने लायक है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी सालों से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक बार आप इंडिया विक्स और टोटल वाली वो प्लेट दिखा सकते हैं। अभिषेक, रेलवे में अगर आपसे पूछे, क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये, कहीं आपको अभी भी वैल्यू दिख रही है क्या? नई खरीदारी के लिए अभी वैल्यू एकदम ही नहीं है। अभी अगर आपने पहले लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, बट नया खरीदना तो अभी इस प्राइस पे कोई भी रेलवे स्टॉक्स में मुझे लगता नहीं है कि करना चाहिए। ठीक है, रेलवे शेयरों से भी दूर रहें, थोड़ा सा और नीचे आए तो शायद आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन बने।